शिवपुर गांव में रहने वाला मदन रात को अपने दफ्तर से लौटकर घर आता है और पानी का ग्लास जैसे ही उठाता है तो पानी के ग्लास में अचानक ही खून भर जाता है। मदन पानी का ग्लास फेंकता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, खून खून बचाओ। तभी घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। मदन के पीछे एक साया आ जाता है। मदन जैसे ही पीछे पलटता है, पानी की तेज लहरें उसकी तरफ आ जाती हैं और चारों तरफ बहुत सारा पानी उठ जाता है और मदन उस पानी में डूबने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। इतने में मदन के घर के पास रहने वाला उसका दोस्त किशन भागते भागते आता है। मदन पागल जैसी हालत में एक कोने में बैठकर चिल्ला रहा होता है। किशन मदन के पास जाकर उसको हिलाता है। क्या हो गया तुझे? अरे अभी मैं पानी में डूब रहा था। पानी? कौन सा पानी? यहाँ तो कोई पानी वानी नहीं है। तुमने जगती आँखों से सपना देखा होगा। अरे किशन मेरी बात मानो, सच में यहाँ पे पानी था और मैं उसमें डूब रहा था। तो अब कहाँ गया पानी? जमीन निगल गई क्या? और अगर तू पानी में था तो तेरे कपड़े कैसे सूखे हुए हैं? लगता है पिछली बाढ़ का भूत अभी तक तेरे सर से उतरा नहीं है। तुम थोड़े दिन आराम करो। अरे पर मैं... अरे परवर कुछ नहीं, चुपचाप जाओ और अपना काम करो। दूसरे दिन किशन घर पर बैठकर मूवी देख रहा होता है, तभी उसके घर की लाइट्स चली जाती हैं। वो रूम में मोमबत्ती लेने जाता है, तभी उसके पीछे एक साया दिखता है। किशन घबराकर पीछे मुड़ता है। एक भयानक चेहरे वाली औरत किशन का गला पकड़ लेती है और उसके मुंह पर वही मेज पर पड़े जग से लेकर पानी डाल देती है। किशन झटपटाकर चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। किशन कैसे तो करके खुद को उस चुड़ैल से छुड़ा लेता है और जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता और टेबल पर रखा हुआ जग अभी भी पूरा भरा हुआ होता है। शायद ये कोई भयानक सपना था, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ आजकल। किशन वहाँ से उठकर बाथरूम में मुंह धोने जाता है। किशन जैसे ही पानी से मुंह धोकर अपना चेहरा शीशे में देखता है तो सामने एक डेविल स्माइल वाला किशन हंस रहा होता है। वहीं ये किशन परेशान और डरा हुआ होता है। शीशे को चेक करने के लिए किशन शीशे पर हाथ रखता है, तभी अंदर वाला किशन बाहर वाले किशन को शीशे में खींचने लग जाता है और देखते ही देखते शीशे वाला किशन बाहर वाले किशन का हाथ काट लेता है और किशन दर्द से चीखता हुआ मदन के पास भाग कर जाता है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इतना खून क्यों निकल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई मरे जैसा दिखने वाला जिसने मुझे शीशे में खींचने की कोशिश की, मैं किसी तरह खुद को बचा कर वहाँ से भाग कर आया हूँ। मेरे साथ भी यही हो रहा है, कुछ तो अजीब है, कोई तो है जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। पर क्या करेंगे? यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। हाँ चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मदन अपना सामान बांध ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक औरत डरावनी आवाज में खुले बाल और लाल खून की भारी आंखों से मदन और किशन को बुलाती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी मैं तुम दोनों को। ऐसी भयानक आवाज सुनकर दोनों डर जाते हैं और डरते हुए ही पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने सामने चुड़ैल को देखकर कांपते हुए बोलते हैं, मदन भूत भूत, कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? इतनी जल्दी भूल गए? मेरी मौत के कारण हो तुम दोनों। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, तुम्हें भी अपनी जान देनी होगी जैसे मेरी जान गई। पर हमने किया क्या है? हम तुम्हारी मौत के कारण कैसे हो सकते हैं? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। भूल गए तुम वो बाढ़ जिसमें गांव के कई लोग मारे गए थे और मैं भी मारी गई थी? मैं वो शांति हूँ जो हजार बार तुम्हारे पास ब्रिज के कमजोर होने की शिकायत लेकर आई थी। तुम्हारी और तुम्हारे लालच की वजह से तुमने गांव के कितने घरों को बर्बाद कर दिया और बाढ़ में खुद बचकर भाग गए। लेकिन अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। माफ कर दो हमें, हम दोनों से गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल दोनों की एक बात नहीं सुनती और तभी चुड़ैल शांति वहाँ पानी की बाढ़ ले आती है और अब पूरे कमरे में पानी हो जाता है और दोनों तेज लहरों में डूबने लगते हैं। अब तुम्हें पता लगेगा जब दम घुटता है तो कैसा लगता है। अब जाकर मेरी और मासूम गांव वालों की आत्मा को शांति मिलेगी।
छोड़ दो हमें, आज के बाद हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। माफ कर दो, माफ कर दो, हमें अपनी गलती से सबक मिल गया, हमें माफ कर दो, जाने दो हमें। दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। दोनों की आवाज़ सुनकर गांव के लोग पुलिस वाले को बुलाते हैं। पुलिस वाला घर के अंदर जाता है और दोनों को पानी में डूबता देखता है और सामने मरी हुई शांति को एक चुड़ैल के रूप में देखता है। शांति, तुम ये क्या कर रही हो? इन लोगों ने तुम्हारे और बाकी गांव वालों की जान जरूर ली थी, लेकिन तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुझे मुक्ति नहीं, दोनों की जान चाहिए। शांति, तुम्हें अपने हाथ इनके खून से रंगने के बाद आखिर क्या हासिल होगा? तो क्या मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? कातिल हैं ये, इन दोनों ने कितने ही लोगों को मारा है, अब मैं इनको मारूंगी। बिल्कुल नहीं, इन लोगों ने अपने देश के साथ भी गद्दारी की है। जो पैसे हमारी सरकार ने गांव वालों के लिए दिए थे, उन पैसों को इन्होंने अय्याशी में उड़ा दिया और अपने सुख सुविधाओं में सारे पैसे खर्च कर दिए। इनकी वजह से हजारों मासूमों को भुगतना पड़ा। अब इनकी सजा ये है कि सरकार इन्हें ताउम्र जेल में डालेगी। शांति, अगर तुमने इनकी जान ले भी ली तो ये लोग जिंदगी से आजाद हो जाएंगे और गांव वाले पहले की तरह इन लोगों को अच्छा समझेंगे। जबकि यदि कानून इनको सजा देगा तो इन्हें सजा भी मिलेगी और तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा। शांति चुड़ैल इंस्पेक्टर की बातें सुनकर वहां से चली जाती है और इंस्पेक्टर विकास किशन और मदन को जेल की सलाखों में पहुंचा देता है। अंबिकापुर करीमगंज गांव का थाना था, जहां अपने आप किसी न किसी कैदी की मौत हो जाया करती थी। कभी कोई फांसी लगा लेता तो कभी कोई तालाब में कूद जाता। मौत का कारण एक अबूझ पहेली थी। करीमगंज में हमेशा लोगों का थाने पर आना जाना लगा ही रहता था। कभी मारपीट, कभी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उस थाने के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के लोगों की भीड़ लगी रहती। करीमगंज में एक बार वहां के सरपंच उदयवीर के यहां लाखों की चोरी हो गई। सरपंच उदयवीर सिंह थाने में अपने विरोधी के नाम से रिपोर्ट लिखवाने आए। मुझे लगता है ये काम जयदेव का ही है। पुलिस जयदेव को पकड़ लाई और थाने में बंद कर दिया। तुम दिखने में तो बड़े शरीफ लगते हो, चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? साहब, मैंने ये चोरी नहीं की, कितनी बार समझा चुका हूँ, पर सरपंच को तो मुझसे बदला लेना था साहब। चुप बेवकूफ, जल्दी बता कहाँ छुपा रखा है सरपंच जी का माल? बता जल्दी कहाँ है सारा सामान? साहब मैं मर जाऊंगा पर मैं कभी चोरी नहीं करूंगा साहब, मेरा यकीन करो। पूरी रात थाने में रहेगा तो खुद ब खुद सब याद आ जाएगा तुझे। कांस्टेबल ने उसको हथकड़ी लगाकर थाने में बंद कर दिया। जयदेव आंखें बंद करके कराह रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसकी बगल में आकर बैठ गया। कौन है, कौन है, क्या चाहिए? अगल बगल वाले कैदी आश्चर्य से उसको देखने लगे और किसी को कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना कल सुबह तुम्हारी लाश इसी छत पर टंगी हुई मिलेगी। जब मैंने चोरी नहीं की तो मुझे कौन मारेगा? यहाँ अपराधियों को मैं सजा देता हूँ, तुम बेकसूर हो इसलिए कह रहा हूँ, भाग जाओ यहाँ से। थोड़ी देर के लिए दर्द के मारे उसकी आंखें बंद हो गई। अचानक किसी शोर से वो उठ गया, तभी उसने देखा कि छत के हुक से किसी कैदी की लाश लटक रही है। वो डर के मारे कांपने लगा। अरे ये कैसे हुआ, किसने मारा इसको? अभी तो कल ही तो ये यहाँ पर आया था। पता नहीं साहब, हम तो सो गए थे। जयदेव की तो वहीं खड़े खड़े टांगे कांप रही थीं। भूत, 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 क्या भूत? रुको, अभी मैं तुम्हारा भूत उतारता हूँ। हाँ साहब, उसने मेरे कान में आकर कहा था कि भाग जाओ नहीं तो कल सुबह इसी छत से तुम्हारी लाश टंगी हुई मिलेगी। साहब मैं बेकसूर हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। इसको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। जयदेव को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। उस लाश को उतार कर बाहर निकाल दिया गया। सभी कैदी डरे और सहमे हुए से एक एक कोना पकड़ कर बैठ गए। रात के 3 बजे थे कि तभी थाने में शोर शराबा होने लगा। सबने देखा कि जिस जगह पर थाना अधिकारी बैठते हैं, वहाँ एक कुर्सी अपने आप चलकर पूरे कमरे में घूम रही है। ये देखकर कर्मचारी बेहोश हो गया।
आनन फानन में उसको होश मिलाया गया, पर काफी लोग इतना डर गए थे कि उस थाने को छोड़कर सभी बाहर की तरफ भागे। तब एक सिपाही भागा हुआ आया और बाप रे, भागो चलो सब, देखो थाने के बरगद के पेड़ की डाल में किसकी लाश झूल रही है, अब तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। सभी दहशत से कांपने लगे। सबने वहाँ जाकर देखा तो अरे ये तो वही सरपंच है जो कल उस जयदेव की रिपोर्ट लिखवाने आया था। लगता है वो जयदेव ठीक ही कह रहा था, यहाँ जरूर कोई भूत आ गया है। सुबह होते ही पूरे थाने में भीड़ लग गई। दो लोग मारे गए ये एक रहस्य था। थाने में किसी की रहने की हिम्मत न थी। थाना अध्यक्ष किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल उठाकर जाने लगे तो कई लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। साहब यहाँ कोई जरूर भूत है, आप कहें तो मैं एक सिद्ध महात्मा को बुला लाऊं। चलो बैठो मोटरसाइकिल पर, बताओ कहाँ चलना है। मोटरसाइकिल जैसे ही गेट के बाहर निकली तब तक अचानक थाने में लगा बरगद का पेड़ जोर से चरमराकर मोटरसाइकिल पर गिर गया और मोटरसाइकिल अचानक खंभे से टकरा गई। थाने अध्यक्ष के ऊपर डाली गिरने से वो तुरंत मर गया। सिपाही तुरंत सबको बुला कर लाया और खुद महात्मा जी के पास भागा। महात्मा जी बड़ी मुश्किल से उसके साथ आए। ये सारी घटनाएं कब से हो रही हैं? थाने के भीतर चलो। सभी लोग डरे सहमे खड़े थे। कौन है बाहर आओ, आखिर क्या चाहते हो, क्यों इतनी मार काट मचा रखी है? अचानक भूत की भारी आवाज गूंज उठी। महात्मा जी आपको शायद याद होगा, मुझे जब पुलिस चोरी के गलत आरोप में पकड़ने के लिए ढूंढ रही थी तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आया था। उस समय आप किसी और की पूजा करवा रहे थे, आपने मुझे प्रतीक्षा करने को कहा था और तभी पुलिस वालों ने ढूंढते हुए मुझे दबोच लिया था। मैं रो रो कर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था, पर इस थाना अध्यक्ष और इसके साथियों ने मुझे मार मार कर टांग दिया था और मुझे जान से मारने के बाद इन्होंने कहा था कि मैंने फांसी लगा ली है। ओह, मुझे क्या पता कि तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ है, अब तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया है ना? नहीं अभी नहीं, अभी तो जितने लोगों ने मुझ पर डंडे बरसाए थे सबको खत्म करना है। लो अगर खैर चाहते हो तो थाने और बरगद के पेड़ से बाहर आ जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब सारे बेगुनाह लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अपनी दुश्मनी साधने के लिए सरपंच उदयवीर जैसे लोग किसी भले आदमी को फंसा देते हैं, ये पुलिस वाले अपनी अकल नहीं दौड़ाते, इनको सजा कौन देगा, सीधे ये लोग डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। तो तुमने पुलिस वालों को सुधारने का ठेका दिया है? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं भी एक शरीफ आदमी था, पर उस थाना अध्यक्ष ने मेरे गांव वालों को और मेरे परिजनों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तब तक दूसरे थाने के थाना अध्यक्ष आ गए, वे वहीं खड़े चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। महात्मा जी इनसे कह दीजिए हम सारे बेगुनाहों को छोड़ देंगे, लेकिन अब ये खूनी खेल खेलना बंद कर दें। अब तुम चले जाओ, अभी सबको छोड़ दिया जाएगा। तभी थाने के अंदर से चीख पुकार सुनकर सब उधर भागने लगे और देखा कि जिस जगह पर सारे कैदी थे वहाँ आग लग गई है। दरवाजा खोलकर सबको बाहर निकाला गया। महात्मा जी तुमने देखा, सारे कैदियों को तो मैं खुद ही कैद से निकालने में समर्थ हूँ, परंतु गुनहगार को छोड़कर निर्दोष लोगों को परेशान करने वालों के साथ यही सलूक किया जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, इनसे तो मैं खुद ही निपट लूंगा। लगता है ये भूत बहुत ही अड़ियल है, अब कोई दूसरा उपाय करना होगा। महात्मा जी ने अपने थैले में से अभिमंत्रित चावल निकाला और थाने के हर कोने में अंदर और बाहर छिड़कवा दिया। महात्मा जी तुरंत थाने के प्रांगण में ही हवन करने बैठ गए और मंत्रोच्चारण करने लगे। हवन करने के बाद जब वे वहाँ पहुँचे तो थाने के सभी कैदी थाने के बाहर ही मिले। महात्मा जी आप उन दोनों को बचा लीजिए, वे अंदर ही रह गए थे और अकेले उस भूत से लड़ रहे हैं। महात्मा जी अंदर गए
और देखा कि उस भूत ने एक कैदी को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है और दूसरे की गर्दन पकड़े हुए था। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, छोड़ जल्दी इन दोनों को, इस जगह तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। तब तक महात्मा जी ने अपने थैले से लाल मिर्च का पाउडर निकाल कर उसके ऊपर डाल दिया। अरे इस पाउडर में क्या है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, हटाओ इसे जल्दी। ये लो, अब तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरे पास आ गई हैं। महात्मा जी मुझे माफ कर दो, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। नहीं नहीं, अब तू साधारण भूत बनकर ही भटकेगा। जब मैं तुझे पहले समझा रहा था तो तेरी समझ में कुछ नहीं आया। महात्मा जी सचमुच मेरे अंदर की ताकत खत्म हो रही है, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। अब सब खत्म हो गया, चल जा इधर से। उन्होंने अपनी खुली मुट्ठी लहराकर बंद कर दी और अपने थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर दिया। भूत की आवाज आनी बंद हो गई, खाने का भूत उनके थैले में बंद हो गया। बाबा आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है बाबा, अब आगे से ध्यान रखना, किसी बेगुनाह को कभी सजा मत देना। थाने का भूत महात्मा जी के थैले में बंद हो गया था।